सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं सिटीज स्काईलाइंस। और जैसे कि आप सबको याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हमने यहाँ पे पूरी सिटी ग्रो करी थी और कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करी थी, जैसे स्कूलिंग के लिए हमने हाई स्कूल लगा दिया था, प्राइमरी स्कूल्स लगा दिए थे और हेल्थ केयर भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर दिए थे। अब नई नई सर्विसेज स्टार्ट करनी है, एक नया आईलैंड खरीदना है क्योंकि ये वाला आईलैंड ना बहुत छोटा पड़ रहा है। इस वाले आईलैंड में हमें सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल एरिया बनाना था, बट हमने यहाँ पे कॉमर्शियल प्लेसेस के साथ साथ कुछ फैक्ट्रीज भी लगा दी, जिसकी वजह से हमारा पूरा एरिया जो है कवर हो गया है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे जितनी भी फैक्ट्रीज है उनको हम शिफ्ट करें एक और आइलैंड के साथ। लेकिन अभी सबसे पहले ना हमें वो आइलैंड खरीदना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि हम फटाफट से यहाँ से निकले। अभी आई थिंक दिन भी होने वाला है, अभी पैसे भी उतने ज्यादा नहीं आ रहे, तो फटाफट हमारे पास अभी 11,000 है, तो हम एक और पार्ट खरीद सकते हैं। आई थिंक हमें या तो ये वाला पार्ट खरीदना चाहिए या फिर ये वाला पार्ट खरीदना चाहिए। ये वाला पार्ट खरीदेंगे तो यहाँ पे ना पूरा हाईवे आ रहा है और ये वाला पार्ट एक्चुअली हम खरीद सकते हैं ताकि हम इसको कनेक्ट कर सके यहाँ से। तो फटाफट से हमें यहाँ पे क्लिक करना है और ये वाला पार्ट बाय करना है। यहाँ से ज्यादा महंगा नहीं, 5,000 का है, क्योंकि 5,000 में हमने खरीद लिया ये सब कुछ। अब हम वापस चलते हैं अपनी सिटी में। ओके, तो हमारी सिटी अभी उतना ज्यादा पैसा प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बट अरे इनको पानी का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? आई थिंक पानी हमने कनेक्ट नहीं करा हुआ है, तो यहाँ से हम पानी कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक और क्लिक करना है, यहाँ पे, और इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब बीच में भी हम कनेक्ट कर लेंगे ताकि बीच में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर हम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और राइट, तो बीच में भी कनेक्ट हो गया है। मैंने ना बीच में एक बड़ा सा रोड बना दिया है और मेरा आइडिया बिल्कुल सही था, ये वाला रोड। ये काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है और इसमें ना गोल्डन लाइट्स लगी हुई ना, काफी ज्यादा येलो कलर की, हाँ गोल्डन कलर की है, एक्चुअली येलो भी नहीं है, बहुत प्यारा लग रहा है। आई थिंक यहाँ पे कुछ खाली घर है, किस रीजन से चेक करना पड़ेगा किस रीजन से खाली है। अच्छा, डेड पीपल को कोई उठाने के लिए नहीं आ रहा है, तो उनके लिए बंदे घर छोड़ के जा रहे हैं। वाओ, अरे हमको बोल देते ना, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करते तुम लोगों के लिए। वो सबसे पहले ना इनका ही जुगाड़ कुछ करते हैं। फटाफट से थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं कि हम अपना सिमेट्री कहां पे लगा सकते हैं, बट इसके लिए हमें 22,000 रुपीज चाहिए और हमारे पास अभी सिर्फ 4,000 रुपीज है, बहुत कम पैसे हमारे पास। हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा या फिर ये वाला लगाना पड़ेगा जो कि सिर्फ 8,000 रुपीज में है। और आई थिंक हमें फिलहाल के लिए ना यही लगाना चाहिए, इसमें भी काफी ज्यादा स्पेस रहता है। अभी पैसे नहीं है, बट थोड़ा ना मेरे को पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, इसके लिए मेरे को गेम को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करना है जब तक हमारे 8,000 रुपीज हो जाएंगे, आई थिंक 6,000 हो चुका है, थोड़ा सा वेट करना है और तब तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। बट आई थिंक इससे ज्यादा कुछ कवर होगा नहीं, बट फिर भी कवर हो ही सकता है, तो इसको हम यहीं कहीं पे लगा देंगे, जैसे यहाँ पे लगा सकते हैं इसको। बट इसको इंडस्ट्रियल एरिया में हमें सेटअप करना है, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास ही सेटअप करना है, जैसे यहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं इसको। आई थिंक पैसे हमारे पास आ गए 8,000 रुपीस, फटाफट से लगा दिया हमने। आई थिंक अब गाड़ी यहाँ से जाने वाली कलेक्ट करने के लिए। ओके, ऑलराइट, काम हो गया हमारा। इलेक्ट्रिसिटी का ना बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रहा है हमारी सिटीज में, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ना मेरे को कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, बड़ी काफी महंगा है, 19,000 रुपीज का है। तो इलेक्ट्रिसिटी का अभी हमें जुगाड़ करना है, तो उसके लिए हमें दो तरीके, या तो हम कोल वाला लगा दें जो 19,000 में है, या फिर हम विंड मिल लगा दें जो 12,000 रुपीज का है। बट विंड मिल लगाने के लिए भी पैसे नहीं है 12,000, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या फिर 6,000 रुपीज में हमें एक और बाय करना पड़ेगा। हमारे पास विंड मिल कितने हैं अभी? यहाँ पे दो लगी हुई है। अगर हम एक को शिफ्ट कर लें, ये वाले को अगर हम शिफ्ट कर लें यहाँ से, तो हो सकता है क्या? सबसे पहले ना चेक करते हैं, इसको हम यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं ताकि इनको इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से मिले। ओके, आई थिंक इनको अभी इलेक्ट्रिसिटी का इशू खत्म होने वाला है। यस, बाद में हमें इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम मिल रही है, बहुत कम यार, इनको ना बंदे चाहिए। और जस्ट हैव इशूड अ सीवियर टोर्नेडो वार्निंग फॉर द एरिया, अबे टोर्नेडो वार्निंग, शुड सीक शेल्टर इमीडिएटली इफ एनी इज अवेलेबल। पूरी सिटी जाने वाली है हमारी आई थिंक, और जितना मेरे को लग रहा है कि ये सिटी की तरफ ही आने वाला है। अरे रुक क्यों गया यार, अरे सिटी, अरे खत्म हो गया, बच गया, सिटी बच गई यार, सिटी बच गई फाइनली। अभी कुछ अबेंडेंड हाउस है, इनको भी खाली करने, लेकिन उससे ज्यादा ना इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी सिटी को ग्रो करें, क्योंकि सिटी को ग्रो करना अभी इस टाइम के लिए बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे बंदों की देखो डिमांड कितनी ज्यादा है, इसकी वजह से ना कुछ फैक्ट्रीज छोड़ के जा रही है क्योंकि उनके पास बंदे ही नहीं है। तो अभी ना हमें सबसे पहले इनका ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फटाफट से यहाँ से ऐसे करते हैं कनेक्ट और इसको कनेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से ना हमें रोड्स बनाने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रात होने वाली है, तो फटाफट से हम यहाँ से रोड कलेक्ट कर लेते हैं इसके साथ। और राइट, इसके साथ कनेक्ट हो गया यहाँ से, हाँ सही है सही है, यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है इसके साथ। ऑल राइट, अभी यहाँ पे भी बीच में हम कनेक्ट कर सकते हैं हर एक रोड को, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसको ना हम पूरा का पूरा हम इनके लिए डेडिकेट कर देंगे, रेसिडेंशियल एरियाज, क्योंकि रेसिडेंशियल एरियाज की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आई थिंक ये वाला पूरा रहेगा, मिडिल वाला पार्ट हम रहने देंगे अभी, इसमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे इनके लिए, हम सर्विसेज भी तो चाहिए ना, तो सर्विसेज के लिए अभी इसको कुछ रहने देते हैं। और ये जो खाली जो घर हुए हैं ना, इनको हम हटा देंगे ताकि यहाँ पे न्यू बंदे जो है वो नए वाले घर बना दें।
ओके, हमने ये वाले घर हटवा दिए हैं। अभी यहाँ पे न्यू घर प्लेसेस होंगे और यहाँ पे भी एक घर है जो बचा हुआ है, इसको उड़ा देना है। करेक्ट भाई, ये भी कंप्लीट हो गया है। अभी हमारी सिटी बहुत प्यारी लग रही है। बट ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, ये हमें शिफ्ट करना है यहाँ से। हम इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे नहीं बनाने वाले बिल्कुल भी। अभी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ना मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले ना मेरे को ना सिटी को बाहर से भी कनेक्ट करना है इसके साथ, बट अभी नहीं कर सकता क्योंकि हमने ये वाला लैंड जो है बाय नहीं कर रखा है। आई थिंक वन वे यूज करा है, तो वन वे ही यूज करना पड़ेगा यहाँ पे भी। अगर हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, कर सकते हैं क्या वन वे कनेक्ट? ओके, वन वे कनेक्ट हो चुका है और यहाँ से अब हम सिटी को यहाँ तक लेके जाएंगे। ओके, अभी ना इलेक्ट्रिसिटी का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं करा ना तो हमारी पूरी सिटी ब्लैकआउट हो जाएगा। स्टिक हम विंडमिल ऐड कर सकते हैं थोड़े बहुत, बट वो नहीं चाहिए हमें विंडमिल। ओके, अभी हम ये लगा सकते हैं एडवांस विंडमिल, जो टर्बाइन है जो पानी में काम करेगा, तो थोड़ा बहुत ना इसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। और ये ना काफ़ी इको फ्रेंडली भी है, इससे कुछ ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा, इससे पोल्यूशन वगैरह नहीं होता। और आई थिंक मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी का पूरा इशू खत्म होने वाला है क्योंकि ये 20 MW इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। कि यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा चेंज करना है रोड्स को, अदरवाइज यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होने वाला है इन फ्यूचर। सबसे पहले हमें इसको यहाँ से कनेक्ट नहीं करना है, इसको हमें एक्चुअली तोड़ना है यहाँ पे। ऑल राइट, अब सारे लोग खुश हो गए क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन पूरा ख़त्म कर दिया हमने। ओके, तो अभी थोड़े बहुत पैसे हमारे पास आ चुके हैं और हम अभी कनेक्ट करने वाले हैं इस वाले सिटी के साथ इसको, और ये वाले रोड्स यहाँ से हमें लेके जाना है यहाँ तक, और इनको कनेक्ट करना है हमारी पूरी सिटी के साथ। आई थिंक यहाँ पे बीच में कुछ आ रहा है जो सिटी को कनेक्ट होने नहीं दे रहा है। पूरी की पूरी सिटी हमने कनेक्ट कर दी है। अब ये वाली चीज़ें है ना, हमें पूरी शिफ्ट करनी है वहाँ पे, क्योंकि मैं ये यहाँ पे नहीं रखना चाहता अभी। तो जो न्यू फैक्ट्रीज है ना वो यहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे, और बंदे ना बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो हमें ना कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है जहाँ पे लोग और ज़्यादा आ सकते हैं। आई थिंक यहीं से हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी सबसे पहले ना इसको हटाना है यहाँ से, ये बिल्कुल गलत जगह पे लगा हुआ है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। आई थिंक यहाँ से नहीं करना चाहिए, यहाँ से करना चाहिए। इसमें ना पूरा रेजिडेंशियल एरिया बनेगा। मैं कुछ नई चीजें भी ऐड करनी है सर्विसेज के लिए, ताकि बंदे यहाँ से भागे ना, क्योंकि यहाँ से बंदे भाग रहे हैं थोड़े बहुत। यार यहाँ पे भी तो ऐड कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। सिटी काफी ज्यादा ग्रो कर दी हमने, बहुत ज्यादा ग्रो। और अभी ना यहाँ पे आग लगी हुई है, तो हमने अभी आई थिंक फायर स्टेशन कहीं लगाया नहीं है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे लगा हुआ है। एक तो क्लोज में है, आई थिंक वो बुझा देंगे, चेक करना पड़ेगा कि बुझा रहे हैं कि नहीं। अरे दो घर जल रहे हैं यार, इसको लोकेट कर लो यार एक बार। आनी कभी आने वाली है गाड़ी, चेक करना पड़ेगा गाड़ी क्यों नहीं आ रही। आगे अभी चेक करते हैं कि कैसे बुझाते हैं इसको। अबे एक बंदा अंदर गया और ये बुझ गया, वाह। दूसरा बंदा पाइप लेके आ रहा है, वो कह रहा है कि नहीं खत्म हो गया काम, निकलो यहाँ से। और पानी को ना मेरे को बहुत ज्यादा कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ। ओके, पानी का आई थिंक इशू भी होने वाला है बहुत सारी जगहों पे। पानी का इशू अभी तो नहीं हुआ, अभी ठीक चल रहा है। पानी को ना हमें यहाँ से भी कनेक्ट करना चाहिए ताकि फ्लो इसका काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहे, और कभी भी हमें दोबारा से कनेक्ट करना पड़े तो यहाँ से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको। अरे 3400 भाई, नए नए सर्विसेज खुलने वाली है अभी। वेस्ट मैनेजमेंट अभी हम इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि अभी वेस्ट मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट हमारा एक लगा हुआ है यहाँ पे, जो 38% फुलफिल हो चुका है। वाओ, रिसाइकलिंग सेंटर भी कहीं पे लगाना है, आई थिंक इधर ही लगा देना चाहिए हमें। रिसाइकल सेंटर यहीं पे लगाना चाहिए, एकदम साइड में लगा सकते हैं। यस, काफी ज्यादा फायदा होगा इससे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, भी हम पार्क्स वगैरह नहीं लगा सकते यहाँ से, बट मैं बड़ा सा हॉस्पिटल लगाना चाहता था जिसमें 65,000 रुपीज का खर्चा है। इतने अभी हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक पैसे बढ़ाएंगे। तो थोड़े से बढ़ा देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक पैसे बहुत ज्यादा आएंगे उसके बाद हम हॉस्पिटल वगैरह लगा सकते हैं। 47,000, 48,000, 50,000 थोड़ा सा लोन भी ले लेंगे ताकि कम्प्लीटली काम जल्दी हो जाए। अभी कभी भी हम लोन कौन सा ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। यस, हमने लास्ट टाइम एक लोन लिया था, आई थिंक वो हमने पे कर दिया। ओके, टैक्सेस बंद करना पड़ेगा वरना बंदे निकल जाएंगे यहाँ से। 13 कर देंगे इसको, 11 कर देंगे इसको, 12 कर देंगे, और इसको थोड़ा सा बढ़ा के फिर कम कर देते हैं। 60,000 ऑलमोस्ट हो चुका है, 9 पे लेके चलते हैं इसको। अभी फटाफट मेरे को एक हॉस्पिटल ऐड करना पड़ेगा। ये आई थिंक कितने का है, 65,000 रुपीज। भाई मेरे पास 62,000 रुपीज है, 63, 64, अभी 65 हो जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी इलेक्ट्रिसिटी का तो प्रॉब्लम है, वो भी ऐड करना है। आई थिंक अभी हमें ये नहीं चाहिए होगा क्योंकि कैपेसिटी 100 की है। चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा बीमार है भाई, वाह, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। एक यहाँ पे लगा देंगे, एक यहाँ बीच में लगा देंगे। ओके, ये मोर देन एनफ हो गया है। देखो ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स हमने खत्म कर दी है। अभी चेक करना पड़ेगा अभी क्या क्या प्रॉब्लम और बची हुई है।
अब बारी आई है एजुकेशन की, कि एजुकेशन के लिए हमने क्या करा है। एजुकेशन के लिए आई थिंक अब एलिमेंट्री में देखो अभी हमारे पास कैपेसिटी 600 है, एलिजिबल 400 है, मतलब काम चल जाएगा। अभी हाई स्कूल की कैपेसिटी भी बहुत सारा है, काम चल जाएगा। यूनिवर्सिटी की भी कैपेसिटी है ही नहीं, यूनिवर्सिटी लगानी पड़ेगी। अभी यूनिवर्सिटी के लिए तो 5000 बंदे चाहिए ना, वो कि हमारे पास 5000 अभी नहीं है। पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये है कि हम सिटी को थोड़ा ग्रो करना पड़ेगा जब तक 5000 की पॉपुलेशन हो जाती है। ओके, तो मेरे को ना आई थिंक यहाँ से जोनिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। और ये हमने क्या लगाया हुआ है यहाँ पे, मैं भूल गया हूँ, रेसिडेंशियल एरिया है। इसमें कितने 13 बंदे है भाई, क्या बड़ी जगह है यार, 13 बंदे है इसमें। कोई नहीं कोई नहीं, तुम लोगों का घर हटाने वाला नहीं हूँ मैं इधर बीच वाले घर हटाने वाला हूँ। बीच वाले घर हटा देंगे, तुम लोगों का घर नहीं हटाएंगे। एक ही घर हटाना है, 2-3 नहीं। ओके, एक ही घर हटाएंगे। ओके, लास्ट वाला घर यहाँ से, इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इसको जोनिंग करना है ताकि यहाँ पे रेजिडेंशियल लोग मतलब बंदे रहने के लिए आए। ये वाला भी कंप्लीट। अगर मैं फैक्ट्रीज को यहाँ पे इनवाइट करूंगा और बाद में वो वाली फैक्ट्रीज तोड़ दूंगा, आई थिंक वो बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। बस मेरे को ना यहाँ पे ऐड करना है ऐसे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चेक करना पड़ेगा ताकि लैंड कुछ वेस्ट ना हो। कि यहाँ से भी पानी इतना ज्यादा है ना यहाँ पे, सर्विस भी प्रोवाइड हो सकती है, पानी का जुगाड़ भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। देखो, एक पानी के लिए ना मैं तुम लोगों के लिए यहाँ से उठा लूंगा, और गंदा पानी निकालने के लिए मेरे को पाइप यहाँ से बिछानी पड़ेगी गंदा पानी, क्योंकि बहुत ज्यादा वेस्ट जा रहा है। गंदा पानी हम यहाँ से निकालेंगे, बाद में ना इसको कनेक्ट करेंगे पाइपलाइन के थ्रू एक दूसरे के साथ। अभी हमें दूसरा चाहिए होगा इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आई थिंक अभी ये काफी रहेगा, ये मोर देन एनफ रहेगा, मोर देन एनफ, क्योंकि ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। मैं विंडमिल भी लगा सकता था, बट नहीं, वो काफी कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ये उसे डबल करता है, पैसे भी डबल लेता है बट इलेक्ट्रिसिटी भी डबल प्रोवाइड करता है। अभी सबसे पहले ना लोग चाहिए उनको, और लोग उनको चाहिए तो मुझे यहाँ से कुछ फैक्ट्रीज हटानी पड़ेगी फटाफट से। जैसे मेरे को ना अभी गेम पॉज भी करना पड़ेगा, नहीं नहीं पॉज नहीं करते हैं, ऐसे हटा देते हैं। और इसको ना मेरे को ऐसे भी कर सकता हूँ और ऐसे भी कर सकता हूँ, नहीं बुलडोज नहीं करना है मेरे को, बुलडोज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बुलडोज करने में ना पैसे वेस्ट जाते हैं। पूरा सिटी खाली नहीं करूंगा मैं, धीरे धीरे करके खाली करेंगे। ये ऑटोमेटिकली अपना घर शिफ्ट करेंगे यहाँ से, मेरे को कुछ नहीं करना, बस इनको बोलना है कि यहाँ से शिफ्ट कर लो, बस ये कर लेंगे ऑटोमेटिकली। ये देखो ऑटोमेटिकली घर छोड़ के जा रहे हैं, अभी आई थिंक यहाँ पे जाने वाले हैं। यार गंदा पानी क्यों जमा हो रहा है, आई थिंक मैंने तो कनेक्ट करा था ना पानी के लिए। एक चीज तो रह गई थी ना इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मुझे एक विंडमिल भी लगाना था, वो मैं भूल गया था, कोई बात नहीं, एक विंडमिल लगा लेते हैं इसके पास में, लगा दिया। अब गंदा पानी भी जाएगा बाहर, अभी पूरी सिटी खाली हो जाएगी, गंदे पानी से बाहर चली जाएगी। और यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, इसको हटाना पड़ेगा, पूरा सिटी का लुक खराब कर रहा था। कुछ न्यू बिल्डिंग्स भी आए हैं, वो भी चेक करेंगे अभी थोड़ी देर में। अरे क्या प्यारे घर बन रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली घर नहीं है ये, फैक्ट्रीज है। ओके, तो फैक्ट्रीज प्यारी प्यारी बन रही है यार। बाय द वे, और ये क्या है यार, काफी ऊपर बनाया था, बाद में बहुत छोटा था। कोई नहीं कोई नहीं, हमारी सिटी किस तरफ है, इस तरफ है। अभी ना मेरे को बस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इनके लिए। अभी इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज, अभी इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज्यादा शॉर्टेज क्यों हो रहा है इनको यार, यहीं पे लगाना पड़ेगा फिर। ये वाला एरिया ना मेरे को थोड़ा सा प्लेन करना था, तो उसके लिए ना एक्चुअली मेरे को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसको प्लेन कर सकता हूँ मैं ऐसे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, साइज बढ़ाना पड़ेगा ब्रश का, मीडियम वाला हाई ब्रश मेरे को बनाना है। इसको थोड़ा सा फ्लैट करना है, इसकी पावर थोड़ी सी बढ़ानी है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि मेरे को ना वो जो पोल्यूशन क्रिएट करती है ना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे बनानी है। अभी भाई इसमें पैसे तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, पैसे नहीं हमारे पास अभी बहुत ज्यादा पैसे जा रहा है इसमें, ये मैं अभी नहीं करने वाला, हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं इधर। भाई सिटी कितनी ज्यादा ग्रो हो रही है, और ज्यादा बंदों की डिमांड हो रही है, फैक्ट्रीज जो है ना डिमांड कर रही है कि और ज्यादा बंदे चाहिए हमें। और अभी मेरे को ना एक सर्विस प्रोवाइड करनी है इनको, अब बस सर्विसेज, ताकि ये वहां पे जाए काम करने के लिए। और बस सर्विसेज मेरे को आई थिंक बीच में कहीं पे स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से, उसके लिए मेरे को बस इसमें जाना है आई थिंक। अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें, जगह भी है, ऑल राइट, और यहाँ से अभी बस सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं हम। ये रहा और ये रहा, एग्जैक्टली अभी हम बस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। चेक करना पड़ेगा कहाँ से, यहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है इधर। अरे ऐसे ऐसे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट करेक्ट जा रहे हैं, करेक्ट जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक। ये स्टॉप में बना रहा हूँ ताकि जहाँ जहाँ पे हम स्टॉप ऐड कर देंगे ना, वहाँ पे गाड़ियाँ रुकेगी, वहाँ पे बस रुकेगी, यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। अभी बस सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं रुकना चाहते, यहाँ पे रुकेंगे हम, यहाँ से बाहर लेके जाना है, यहाँ पे रुकेंगे, फिर इसको इसके साथ कनेक्ट भी करना है। ओके, पूरी एक लेन हमने क्रिएट कर दी है। आप जिस जिसको
है, वहाँ पे जॉब करने के लिए जाना होगा ना जिस भी बंदे को जॉब करने के लिए। ऑल राइट, अब सिटी से बंदे जाएंगे ना जॉब करने के लिए फैक्ट्रीज वगैरह में, वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से पहुंच जाएंगे। अब आई थिंक इधर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। वर्कर्स नहीं है इनके पास, अब वर्कर्स भी आ जाएंगे ना, अभी वर्कर्स भी आ जाएंगे और अभी सारा काम हो जाएगा। वर्कर्स के लिए तो हमने ये ऐड कर रखा है सब कुछ, वर्कर्स के लिए ही सब कुछ हमने ऐड कर रखा है ताकि अभी वर्कर्स यहाँ पे पहुंच जाए। देखो सारे के सारे बंदे आ जाएंगे, अभी कितने बंदे इधर काम कर रहे हैं, अनएजुकेटेड 16 बंदे हैं। अरे कोई बात नहीं, हम एजुकेशन का सिस्टम हम लगा देंगे ना, उसके लिए तो हम है। ये लो लगा दिया एजुकेशन के लिए, खुश हो जाओ। एजुकेटेड वर्कर्स है अभी सबके सब, बट बंदे इनको और चाहिए होंगे। कितने बंदे चाहिए तुम लोगों को, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हुआ है जो बंदे यहाँ पे काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। अभी तो बस सर्विसेज भी हमने प्रोवाइड कर रखी है, अभी बसेस वगैरह नहीं आती क्या इधर? अभी बहुत सारी बसेस जा रही हैं, सिटी में बंदे नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 5000 आई थिंक नहीं हो पाएंगे अभी, क्योंकि हमारे पास इधर जगह बहुत कम पड़ी है, तो हमें ना ये वाला एरिया पूरा कवर करना पड़ेगा। अभी हमें रोड्स बिल्ड करने पड़ेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ये वाला रोड लेके जाएंगे हम यहाँ तक, इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ। ऑल राइट, यहाँ से सेम यहाँ से भी करेंगे इसको। ओके, तो यहाँ से भी इसको लेके जाएंगे यहाँ तक। सिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करनी है हमें, बहुत ज़्यादा बंदे चाहिए, 5000 तो आज करना ही करना है। ओके, तो अभी हम यहाँ से इसकी जोनिंग करेंगे। देखो सिर्फ 700 और बंदे चाहिए और ये पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा। आई थिंक इतने में ना 700 बंदे आ जाएंगे। और यहाँ पे भी मुझे एक चीज़ ऐड करनी है, यहाँ से मुझे इंडस्ट्रियल एरिया पूरा साफ करना है, तो मुझे ये वाली जगह पे भी सिटी वगैरह बना सकता हूँ मैं, और ये वाली चीज़ें मेरे को साफ करनी है यहाँ से। अब मुझे सिटी यहाँ से भी ग्रो करनी है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, सेम यहाँ से भी करना है, सेम यहाँ से भी करना है। मैं बाद में भी और बंदे ऐड कर सकता हूँ, बट ये पूरा एरिया जाना, ये पूरा आइलैंड, यहाँ पे सिर्फ हमारी सिटी रहेगी, इसमें बिल्कुल भी हम कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाने वाले। हमें एक और अचीवमेंट हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 5000 जो पॉपुलेशन हो चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार हमारे लिए। अभी हम यूनिवर्सिटी वगैरह ऐड कर सकते हैं, अभी हमारे पास 1.5 लाख रुपए आ चुके हैं अकाउंट में, और अभी सबसे पहले ना यूनिवर्सिटी का जुगाड़ कर लेते हैं, बड़ी सी यूनिवर्सिटी लगा देते हैं। हाई कैपेसिटी यूनिवर्सिटी के लिए 7000 बंदे चाहिए ना, ये भी काफी है यार, ये भी काफी। इसके लिए मैंने जगह पहले से ऐड कर रखी है, चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे आ सकता है कि नहीं यार। आई थिंक इसके लिए ना कुछ अलग जगह चाहिए होगी, मैंने ना यही जगह रखी थी इसके लिए, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे भी तो लगा सकते हैं, जगह तो पड़ी है हमारे पास बहुत सारी। आई थिंक पूरा एरिया कवर हो जाएगा इसमें। भाई ये क्या लगा के रखा है मैंने यहाँ पे, यूनिवर्सिटी है, कितनी प्यारी यूनिवर्सिटी लग रही है। अभी हमें एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी कुछ ऐड करना है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पता नहीं क्यों। मे बी इन फ्यूचर यहाँ पे कोई डिजास्टर आने वाला है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। 15000 ज्यादा पैसे नहीं, बट जगह बहुत ज्यादा घेरे गए कि हमने लगा दिया, काम हो जाएगा उससे। पूरी सिटी में कचरा क्यों भर रखा है? अच्छा मैं ये वाला खाली कर रहा था, कितना अभी भी, अभी 90% फुल है यार। इसकी जगह एक और लगाना पड़ेगा मुझे, इसकी जगह मेरे को दूसरा लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक ये खाली होगा तब तक वो फिल हो जाएगा, और वो मैं यहाँ पे नहीं लगाने वाला, उसको मेरे को अलग रोड से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि सिटी से दूर है वो। उसको मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक्चुअली इसको सिटी से बाहर करना चाहता था, और आई थिंक अभी इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, पूरी सिटी से अभी कचरा जाने वाला है। ओके, अभी सिटी हमें बहुत ज्यादा ग्रो करनी पड़ेगी क्योंकि डिमांड्स बहुत ज्यादा है। अभी आई थिंक 5000 बंदे आ चुके हैं, तो अभी हम जोनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, जितने भी घर है ना उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें। बहुत प्यारे घर थे, अभी और ज्यादा प्यारे घर बनेंगे, अभी बड़े बड़े घर बनेंगे यहाँ पे। ओके, ऐड कर दिया मैंने, इसको हटाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बड़े बड़े घर बनाएंगे और हम पूरी सिटी अभी चेंज कर सकते हैं। 5000 पॉपुलेशन हो चुकी है, अभी देखना मिनटू में ना अभी 7000-8000 हो जाएगी। अभी बस कुछ नहीं करना है, ये जितने भी छोटे छोटे घर है ना इनको कन्वर्ट करके ना वापस ऐसे करना है बस। पहले ना घर छोड़ के जाएंगे बंदे, फिर घर में वापस आएंगे। अभी देख लो 141 बंदे है ना, हर एक सेकंड जा रहे थे, अभी वापस भी आ रहे हैं। अभी देखो कितने बड़े बड़े घर बन रहे हैं, यहाँ पे छोटे घर क्यों है, इसको भी बड़ा बना देते हैं, एक क्लिक से बन जाएगा। आई थिंक इसको हमने इंक्रीज कर दिया है, अभी हमें रेजिडेंशियल एरियाज बढ़ाने नहीं है, इनको ही थोड़ा सा अपग्रेड करना है। सबसे पहले ना हमें मेन वाले सिटी जो बीच में है इसको अपग्रेड करना है, ये अपग्रेड हो जाएगी ना फिर हम यहाँ पे जाएंगे और बाद में उसको चेंज कर देंगे हम। ये वाला पूरा एरिया हो चुका है, और क्या प्यारा लग रहा है इधर, प्यारे प्यारे घर लग रहे हैं इधर। ये मस्त है यार, पूरी एक सोसाइटी लग रही है मुझे। अब इसकी बालकनी में देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज है। अरे यूनिवर्सिटी खुली नहीं है, खुल गई यूनिवर्सिटी। ये देखो गाइस, ये हमारी सिटी अभी मेन सिटी, और उसमें कितने ही खतरनाक घर बने हुए हैं, और अभी हमें नए घर बिल्कुल भी नहीं बनाने, पहले से बहुत सारे घर बना के रखे हुए हैं। अभी फैक्ट्रीज हमारी जो है ना उनकी डिमांड बढ़ रही है, बस वो चेक करना पड़ेगा मुझे कि कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। और यहाँ पे मुझे आई थिंक लग रहा है कुछ रोड्स हमें बिल्ड करने पड़ेंगे, बस वो चेक करना है मुझे कहाँ से कहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा हमने इसके लिए डेडिकेटेड रखा हुआ है, बट इसका ना इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आई थिंक हो रहा है।
वो भी चेक करना पड़ेगा मुझे, ट्रैफिक जैम भी नहीं होना चाहिए और हमारी फैक्ट्री जितनी, ये देखो कितना ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है इसका, अभी चेक करना पड़ेगा मुझे। एक तो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे यार मैं ये क्यों लगा रहा हूँ, मैं ऑफिसेज भी तो ऐड कर सकता हूँ ना। लॉल अभी मुझे ऑफिसेज ऐड करने चाहिए, अब प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हमने जितने भी ऐड करे हैं ना उसकी वजह से ये पूरा डिमांड नीचे चला जाएगा। ये एक चीज़ मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ था, ओके, ना तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है ना तो कुछ और। इलेक्ट्रिसिटी के लिए तेरे लिए मैं ये ऐड कर रहा हूँ, और पानी के लिए मैं अभी कनेक्शन दे रहा हूँ तेरे को। पानी का एक कनेक्शन यहाँ से आ जाएगा यहाँ तक, कंप्लीट, ओके, ऑल राइट। भाई काफी ज्यादा ग्रो हो चुकी है हमारी सिटी और काफी ज्यादा प्यारी भी लग रही है। और ये जो मैंने आड़े टेढ़े मेढ़े रोड्स बना के रखे हुए ना, अब इनको हटाने का टाइम भी आ चुका है। अभी थोड़ी देर में इसको भी हटा देंगे, बस मेरे को चेक करना है कि मैंने ये कौन सा जोन जो है वो डिक्लेयर कर रखा था। जैसे ये मेरे को हटाना है, अगर कोई जोन ही नहीं है तो मैंने क्यों लगा के रखा हुआ। और ये क्या बना के रखा हुआ मैंने यहाँ पे, ये एक बार ना मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये क्या। अच्छा ये तो मैंने फायर एंड इमरजेंसी के लिए लगाया था, ये अभी हटाना पड़ेगा, अभी इसका काम नहीं है। ओके, फायर एंड इमरजेंसी को मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा कहीं पे, और ये बहुत घटिया जगह पे है। आई थिंक इधर बीच में ऐड कर सकते हैं इसको, बस एक राइट क्लिक करना है, इधर से कॉपी करना है, इधर जाके इसको ड्रैग एंड पेस्ट करना है, और ये सारी चीज़ें मेरे को हटानी है यहाँ से। इसको बुलडोज करना पड़ेगा अभी, ये एक्चुअली बहुत गंदा लग रहा था, मैंने पता नहीं क्यों बना के रखा हुआ था ये आड़े मेढ़े टेढ़े रोड्स, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये वाले घर जितने भी है ना इनको भी मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा आई थिंक। नहीं, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, इनको शिफ्ट करने की जरूरत भी नहीं है। अब ये बिल्डिंग्स कितनी प्यारी लग रही है, लोज रेंज में भी देख लो आप, एकदम ना रियलिस्टिक लग रहा है। ये देखो इसने किसी सस्ते कंपनी का एंटीना लगाया हुआ है और इस पे कुछ नाम वगैरह भी नहीं है। अब सबसे पहले इसको बंद करना है और यहाँ पे हमें एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे ऐड करना है बड़ा सा। ऑल राइट, अभी हमें यूनिवर्सिटी देखना है, यूनिवर्सिटी में बंदे बहुत ज्यादा एलिजिबल नहीं है, कैपेसिटी हमारे पास बहुत सारी है, 4,500 बंदे वहाँ पे पढ़ सकते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी यूजर भी कोई नहीं है और कैपेसिटी भी जीरो है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमने कुछ ऐड नहीं कर रखा है, एक शेल्टर बनाना है हमें, ये हमने पहले से ऐड कर रखा है और ये हमें बनाना है। स्मॉल इमरजेंसी शेल्टर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, एकदम सही जगह है। चलो आई थिंक अभी हमारा सारा काम हो चुका है। ये घर कितना प्यारा लग रहा है, इसकी कलर्स वगैरह देख लो आप, कितना प्यारा लग रहा है ये वाला घर। अभी 10,000 पॉपुलेशन है, 11,000 पॉपुलेशन हो चुकी है, वाओ। और आप लोग मुझे ये भी बता सकते हो कि ये गंदा पानी जो बाहर जा रहा है ना, काफी ज्यादा पोल्यूट कर रहा है एरिया, इसको क्या हम किसी तरह से रिफाइन कर सकते हैं क्या। दूसरा हमने यहाँ पे भी लगाया और ये भी काफी ज्यादा एरिया गंदा कर रहा है। यहाँ पे तो मैंने दो लगा दिए अभी और वहाँ पे एक लगाया, क्या हम इसको कहीं किसी तरीके से रिफाइन कर सकते हैं क्या। यार मुझे ना कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ज्यादा वर्कर्स यहाँ से ट्रेवल करके फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जा सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।